प्यार अंधा होता है ये तो सबको पता है। इस दुनिया में हम कहीं भी नजर डालें तो हमको अजीब कपल्स दिख जाएंगे जिनका आपस में कोई भी तालमेल नहीं होता है। इसी बात का जीता जागता सबूत हमारा बॉलीवुड भी है, जहां हमको ये पता कर पाना काफी मुश्किल है कि प्यार अंधा होता है या फिर प्यार पैसे देखता है। बॉलीवुड में कुछ पॉपुलर कपल्स ऐसे भी हैं जिनकी जोड़ी काफी अजीब यानी कि मिसमैच्ड नजर आती है। ग्लैमर इंडस्ट्री में जहां सब कुछ सपने की दुनिया की तरह खूबसूरत नजर आता है, वहां कुछ कपल्स ऐसे भी हैं जो एक साथ परफेक्ट नजर नहीं आते। आप भी जब उन कपल्स को देखते होंगे तो आपको मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि ये कपल बॉलीवुड के बाकी कपल्स की तरह परफेक्ट नहीं दिखते। आइए हमारे इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि इस लिस्ट में किस किस का नाम शामिल होता है। इस लिस्ट में नंबर वन बनाम आता है एक्ट्रेस सना खान का। दोस्तों हाल ही में सना खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक ऐसी फोटो शेयर की है जिसने कि सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल सना खान ने सूरत के रहने वाले मौलाना मुफ्ती अनस सईद से शादी कर ली है और खबरें हैं कि सना ने ये शादी सिर्फ धर्म के लिए की है। वेल आप दोनों की शादी की तस्वीरें हमारी इस वीडियो में भी देख सकते हैं। एक फोटो में सना खान लाल जोड़ा पहने हुए नजर आ रही है तो वहीं वो दूसरी फोटो में केक काटते हुए भी नजर आ रही है। तो वहीं एक और बात है जो सबको काफी ज्यादा हैरान कर रही है और वो है सना खान और मौलाना मुफ्ती की बेमेल जोड़ी। दरअसल दोनों के लुक्स में काफी ज्यादा अंतर है। इस लिस्ट में नंबर दो पर नाम आता है मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर का। मलाइका और अर्जुन के बारे में तो ये सभी जानते हैं कि मलाइका अर्जुन कपूर से काफी बड़ी हैं। तो वहीं अब मलाइका के चेहरे पर रिंकल्स भी साफ साफ नजर आने लगे हैं, जिस वजह से अर्जुन कपूर को मलाइका का पार्टनर नहीं बल्कि उनका बॉडीगार्ड कहा जाता है। इस लिस्ट में नंबर तीन पर नाम आता है एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस का। दोस्तों बॉलीवुड के शुरुआती दिनों में एक्ट्रेस जैकलिन ने साजिद खान को डेट किया था। खबरें थी कि दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन जैकलिन को साजिद और उनकी बेमेल जोड़ी जल्दी ही समझ आ गई, इसलिए शायद उन्होंने साजिद खान को छोड़कर सिद्धार्थ मल्होत्रा को डेट किया। लेकिन कुछ ही वक्त बाद उनका ये रिश्ता भी टूट गया और अब जैकलिन का नाम बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान के साथ जोड़ा जाता है। इस लिस्ट में नंबर चार पर नाम आता है शिबानी दांडे और फरहान अख्तर का। दोस्तों फरहान अख्तर ने शिबानी दांडेकर के चलते अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया है, लेकिन शिबानी और फरहान के बीच काफी ज्यादा एज गैप है, जिस वजह से फरहान शिबानी के आगे बूढ़े से नजर आते हैं, जबकि शिबानी काफी ज्यादा ग्लैमरस और बोल्ड नजर आती हैं। आप उनकी तस्वीरें हमारे इस वीडियो के जरिए भी देख सकते हैं। इस लिस्ट में नंबर पांच पर नाम आता है उदय चोपड़ा और नरगिस फाकरी का। दोस्तों एक वक्त था जब नरगिस फाकरी और उदय चोपड़ा एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये बात मीडिया से छुपा कर रखी। लेकिन उनके ब्रेकअप की खबरों की वजह ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। दरअसल दोनों के ब्रेकअप की वजह दोनों के बीच ज्यादा उम्र का फासला ही था। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि उदय चोपड़ा इन तस्वीरों में काफी ज्यादा बूढ़े नजर आ रहे हैं, उनके बाल और दाढ़ी भी बिल्कुल सफेद हो चुके हैं। तो वहीं एक्ट्रेस नरगिस फाकरी अभी तक काफी ज्यादा ग्लैमरस और हॉट नजर आती है। इस लिस्ट में नंबर छह पर नाम आता है ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन का। दोस्तों जब इन दोनों की शादी की खबरें सोशल मीडिया पर आईं तब काफी ज्यादा बवाल मचा था, क्योंकि उस वक्त ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी और अभिषेक बच्चन का नाम फ्लॉप एक्टर में शुमार होता था। वले दोनों की इस बेमेल जोड़ी ने भी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। इस लिस्ट में नंबर सात पर नाम आता है रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा का। बॉलीवुड की मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी जितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं उतनी ही खूबसूरती भी उनमें शामिल है, लेकिन जब उन्हें आदित्य चोपड़ा के साथ देखो तो जोड़ी उतनी ज्यादा जचती नहीं है। हालांकि रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा दोनों ही बहुत टैलेंटेड है, लेकिन लुक्स की बात करें तो ये कपल भी बेमेल जोड़ी की कैटेगरी में ही देखे जाते हैं। इस लिस्ट में नंबर आठ पर नाम आता है एक्ट्रेस जूही चावला और बिजनेसमैन जय मेहता का। बॉलीवुड की चुलबुली एक्ट्रेस जूही चावला के पति जय मेहता भी उनकी खूबसूरती के आगे काफी ज्यादा फीके नजर आते हैं। जूही चावला और उनके पति दोनों ने अपने रिश्ते को बहुत समझदारी से निभाया है, लेकिन ये कपल भी पिक्चर परफेक्ट नजर नहीं आता है। इस लिस्ट में नंबर नौ पर नाम आता है ट्यूलिप जोशी और आर्मी कैप्टन विनोद नायर का। दोस्तों इन दोनों की जोड़ी भी पिक्चर परफेक्ट नहीं लगती। हालांकि ट्यूलिप जोशी का फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा, ट्यूलिप जोशी ने कई फ्लॉप फिल्में की है, लेकिन उनकी खूबसूरती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस ट्यूलिप जोशी और कैप्टन नायर भी मिसमैच्ड कपल में ही नजर आते हैं।
तो दोस्तों देखा आपने हमारी इस वीडियो में कि किस तरह से बॉलीवुड के ये मशहूर कपल्स भी एक साथ जचते नहीं है। विलन कपल्स की तस्वीरें देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।